दोस्तों स्वागत है एक और हमारे नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं दोस्तों आप लोगों के लिए टेक्नो, जो कि टेक्नो कैमोन 20 प्रीमियम 5G है, जो कि काफ़ी अच्छे फ्यूचर के साथ अभी लॉन्च हुआ है, जो कि 30,000 के में आता है। चलिए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं और आप लोगों को बताते हैं इसका बेस्ट फ्यूचर। दोस्तों 30,000 लगा के ये मोबाइल लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, आप लोगों को बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहिए, पूरा अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और A to Z आप लोगों को फीचर बताने वाला हूँ मैं। अभी ये देखिए दोस्तों फुल पैकिंग मोबाइल है, तो वीडियो में बने रहिए और फुल डिटेल्स बताऊंगा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इसमें 16 GB रैम है दोस्तों, 512 GB इसमें रोम दिया गया है दोस्तों। वीडियो में बने रहो आप लोग, मैं आप लोगों को अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों अनबॉक्सिंग करते हैं और आप लोगों को फीचर दिखाते हैं। बिल्कुल ही लेटेस्ट मॉडल है दोस्तों, जो कि 30,000 के रेंज में आ रहा है। तो आप लोग देखिए और इसका फीचर बताने वाले हैं। काफ़ी अच्छी फीचर दिया गया है इसमें। थोड़ा निकालने में सॉरी दोस्तों, ये निकाला नहीं था मैं। एक गेमिंग के लिए बेहतर फ़ोन है दोस्तों, और कैमरा का मत पूछिए। इसमें 108 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है दोस्तों बैक का, और फ्रंट का 32 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। इसका डिज़ाइन देखिए दोस्तों, काफ़ी बेहतरीन दिया गया है, जो कि लगता भी है गेमिंग फ़ोन है। तो इसका प्लास्टिक में निकाल के आप लोगों को दिखाता हूँ इसका लुक कैसा है। यह देखिए दोस्तों लुक काफ़ी क्लासिक इसका लुक है, और कैमरा का भी कुछ नया डिजाइनिंग किया गया है, जो कि सबसे अलग ये डिजाइन है मार्केट में। पहले कभी ऐसा डिजाइन नहीं देखा था, ये फर्स्ट में देख रहा हूँ। चलिए इसको बूट करते हैं दोस्तों, उसके बाद आप लोगों को फीचर दिखाते हैं। बूट होने में थोड़ा टाइम लगता है, 2 से 1 मिनट। तो इसको पूरा बूट करते हैं दोस्तों। तो इसे बूट करते हैं दोस्तों, कुछ सेटअप होता है जो करना पड़ता है हम लोगों को, तो अब देख के भी कर सकते हैं दोस्तों। बिल्कुल ही आसान है ये सेटअप करना। एंड्रॉयड वर्जन 13 के साथ आया है दोस्तों ये देखिए दोस्तों, काफ़ी स्मूथ काम कर रहा है स्क्रीन दोस्तों। आपको सबसे पहले मैं इसका फिंगर चेक करके दिखाता हूँ दोस्तों, कितना फास्ट काम कर रहा है। चलिए फिंगर लॉक लगाते हैं दोस्तों। काफ़ी स्मूथ काम कर रहा है दोस्तों, गेमिंग के लिए बेस्ट है, और कैमरा चाहते हैं तो कैमरे के लिए भी बेस्ट फ़ोन है ये। काफ़ी स्मूथ फिंगर भी काम कर रहा है दोस्तों, आप लोगों को दिखाता हूँ, अनलॉक करके भी दिखाऊंगा कितना फास्ट सेंसर काम कर रहा है। सेंसर अच्छा है या नहीं है वो भी बताने वाला हूँ आप लोगों को। देखिए दोस्तों कितना फास्ट सेंसर काम करता है, ये देखिए दोस्तों काफ़ी फास्ट इसका सेंसर काम कर रहा है। और कैमरा भी दिखाता हूँ आप लोगों को दोस्तों, कैमरा क्वालिटी क्या है। 108 मेगापिक्सल का कैमरा है दोस्तों, जो कि काफ़ी अच्छी क्लियरिटी के साथ आ रही है, और सेल्फी भी इसका काफ़ी अच्छा है दोस्तों। आप लोगों को देखिए दोस्तों उधर पीछे कैमरा में देखिए दोस्तों, मोबाइल में अच्छा नहीं दिख रहा होगा, फोकस करके थोड़ा दिखाता हूँ। कैमरा क्वालिटी काफ़ी बेहतरीन है दोस्तों, थोड़ा जूम भी करके दिखाता हूँ आप लोगों को। कैमरा क्वालिटी बिल्कुल भी अभी तक नहीं फट रहा है दोस्तों, ये 4 जूम हो चुका है दोस्तों, 5, 6 बिल्कुल भी कैमरा क्वालिटी अच्छी है दोस्तों। कैमरा फ़ोन अगर लेना चाहते हैं आप लोग तो बिल्कुल इसको ले सकते हैं, और गेमिंग के लिए भी चाहते हैं तो गेमिंग के लिए भी बेस्ट फ़ोन है। तो इसका फ्यूचर आप लोगों को दिखा देते बता देते हैं कुछ दोस्तों।
इसमें आपको चार्जिंग मिल जाएगा दोस्तों 45 वाट का, 16 GB रैम के साथ आता है दोस्तों, जो कि 8 GB है प्लस 8 GB एक्सटर्नल दिया गया है, और 512 GB इसका रोम दिया गया है दोस्तों, 108 मेगापिक्सल जो कि ट्रिपल कैमरा के साथ आता है दोस्तों। बाकी इसमें एमोलेड सुपर एमोलेड डिस्प्ले नहीं है, बट एमोलेड डिस्प्ले इसमें यूज़ किया गया है जो कि काफ़ी स्मूथ काम करता है। और रिफ्रेश रेट की बात किया जाए दोस्तों तो 120 का रिफ्रेश रेट दिया गया है जो कि काफ़ी अच्छी है 30,000 के मार्जिन में दोस्तों। अगर आप 30,000 के मार्जिन में मोबाइल कोई भी लेना चाहते हैं तो इस मोबाइल के साथ बिल्कुल आप जा सकते हैं, पैसा आपका बिल्कुल असूल रहेगा। तो चलिए बॉक्स ओपन करते हैं, अंदर में देखते हैं दोस्तों क्या है। मोबाइल तो देख चुके हैं, अब अंदर में देखते हैं कंपनी क्या क्या दिया गया है इसमें। तो ये बहुत सारे किताबें जो कि कोई नहीं पढ़ता दोस्तों, इसको साइड में करते हैं। और एक एक केस दिया गया है दोस्तों जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का केस है यूज किया गया है इसमें दोस्तों, ट्रांसपेरेंट केस है इसमें। बाकी एक आपको 45 वाट का एडेप्टर मिल गया आपको टेक्नो का, और एक केबल दिया गया दोस्तों जो कि सी पिन का है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी है दोस्तों, डाटा ट्रांसफ़र भी इससे काफ़ी फास्ट होती है। बाकी एक चीज़ इसमें अच्छा कर सकता था इसको बेहतरीन बनाने के लिए दोस्तों, जो 8+8 GB एक्सटर्नल रैम दिया है दोस्तों उसको 12 GB डायरेक्ट कर सकता था, ये अच्छा फ्यूचर हो सकता था। बाकी दोस्तों सब कुछ अच्छा है, आपको फिंगर देख लीजिए, कैमरा देख लीजिए, गेमिंग के मामले में एक तरह से कहा जाए दोस्तों तो ये ऑलराउंडर फ़ोन है। तो अगर लिंक आपको बाय करना है दोस्तों तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, बिल्कुल जाके बाय कीजिए, 30,000 का लगभग में ये आएगा और बेस्ट मोबाइल रहेगा दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।